हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल राघव। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल राहुल ब्लॉगर 630। आज हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ का नेशनल बायोलॉजिकल पार्क देखने के लिए। चलिए थोड़ी देर में आपको वहीं पे मिलते हैं और आपको दिखा दें कि वहाँ का क्या फीस वगैरह है और वहाँ पे क्या क्या एनिमल्स देखेगा। तो गाइज, आज हम लोग आए हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क घूमने के लिए। चलिए आपको अंदर का इसमें व्यू और नज़ारा दिखाते हैं। गाइस, अभी हम लोगों ने किया है एक रिक्शा है अंदर जाने के लिए, जो 60 रुपीज़ लेते हैं। जहाँ से जू देखना स्टार्ट होगा वो ऑलमोस्ट पड़ेगा यहाँ से 1.5 किलोमीटर अभी। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। गाइस, मैं यहाँ पे रिक्शा लेने के लिए आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग पैदल जाएंगे तो आप जू देखने से पहले ही थक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जू 1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो आप 60 रुपीज़ देकर रिक्शा यहाँ पे हायर कर सकते हैं, ये वर्थ इट है। हम लोग पहुंच चुके हैं नेशनल बायोलॉजिकल पार्क और सामने जा रहा है मेरा पांडा। ये है मेरी जिंदगी का पांडा। बायोलॉजिकल पार्क में एंट्री करेंगे तो आपको गाइड मैप ऑफ नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क आपको दिखेगा। सो यहाँ आप बोर साइकिल देखेंगे, एनक्लोजर मिलेगा एनिमल्स का। तो गाइस, अभी हमें नन्हे पाजी मिले। तो पाजी ने हमसे पूछा कि आप ब्लॉगर हो, आपका कौन सा ब्लॉगर चैनल है। तो अभी पाजी हमें सब्सक्राइब करेंगे और ये इनकी प्यारी सी फैमिली है। थैंक यू। अभी शुरू हुआ क्रोकोडाइल का एरिया। जिंदगी हो तो ऐसी क्रोकोडाइल्स। नकली से लग रहे हैं, पड़े हैं। ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल। देखो सामने देखो कितने हो रहे हैं। सबसे मोटा वही लग रहा है मुझे वाला, है ना? सही, गर्मी का मजा यही ले रहे हैं। ये गाइस, मैं अपने पांडा के साथ। हम लोग देख रहे हैं मेहंदी, मेहंदी के प्लांट हैं इधर। आकांक्षा, क्या कभी तुमने ये मेहंदी लगाई है? बहुत। कब? नानी के यहाँ पीस के लगाई थी। तो गाइस, इसमें कुछ प्लांट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। डियर, हिंदी चीतल, नाउ वी आर गोइंग टू सी सांबर डियर। हम लोग देखेंगे हॉग डियर।
कारा सिंह ने भी सोचा कि अब हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो उसने अपनी पोजीशन दे रखी है। देखो तो कैसे पोज दे रहा है फोटो के लिए। अंदर है खाने का टाइम हो जब एक ही है और बर्ड इज ईटिंग मीट। जयकाल सियार। कमजोर बढ़िया है। कैसे लगा आपको नेशनल बाल म्यूजिक? सो गाइस वहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो है फ्री पार्किंग, ये है पेड पार्किंग। पार्किंग का आपको क्या क्या रेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर क्योंकि जस्ट साइड में है यहाँ पे टिकट काउंटर, और आप यहाँ पे चार्जेस देख सकते हैं। हमारा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का सफर हो चुका है पूरा। आकांक्षा मैं तो आज पांडवों को और अपने जैसे लोगों को देख के मजा आया होगा। हाँ, एक तो मेरे साथ ही चल रहे हैं। हमारा नेशनल बायोलॉजिकल पार्क का सफर हुआ पूरा, हम लोग वापस अपने होटल जा रहे हैं। आकांक्षा कैसा लगा तुम्हें नेशनल बायोलॉजिकल पार्क नाहरगढ़ का? मजा आया? अच्छा लगा। चलिए इसी के साथ ही ब्लॉग हम यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस।